हम लोग देख रहे हैं चैप्टर सिक्स है ये। चैप्टर सिक्स में हम लोग देख रहे हैं चेंजेस अराउंड अस, जो हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं हमारा नाक जो है वो बढ़ गया है, हमारे आसपास जो है महल हो गया है, और हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ हमारे सर पे जो है मुकुट आ गया है। इस तरह की चीज़ें जो हैं हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे सर पे ये मुकुट आ गया है। तो ये पेन जो है ना किनारी, ये बैलून जैसा ये फूल गया है। काश ये कैसे होता, हम बैठे हैं तो हमारे घर में बहुत सुंदर जो है पलंग आ जाता इस तरह से, ना कि हमारी चाहते तो ये इस तरह का चेंज हो जाता, हमारे घर के आसपास महल जैसा हो जाता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज हो रहा है। काश कैसा होता, जनरली हम सोचते हैं कि इस तरह की चेंजेस होते। तो हम लोग चैप्टर सिक्स देख रहे हैं, क्लास सिक्स का चेंजेस अराउंड अस, चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। ये चेंजेस जो हैं अराउंड अस, हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आगे हम लोग देखने करते हैं, व्हाट ए फन वुड बी, कह रहा है कि व्हाट ए फन वुड बी, कितना अच्छा होता इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, कह रहा है कि कितना अच्छा होता जब हम लोग को मैजिकल पावर आ जाता। क्या आता, मैजिकल पावर आ जाता, क्या चीज़ के लिए, चेंज करने के लिए। चेंज कौन से चीज़ें, थिंग्स जो भी चीज़ें हैं अराउंड यू, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसको चेंज करने की अगर क्षमता हमारे में आ जाती तो कितना अच्छा होता है। कह रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज, वो क्या चीज़ें हैं, कह रहा है कि व्हाट आर द थिंग्स, वो चीज़ें क्या हैं यू वुड लाइक टू चेंज, आप जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग आगे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि बट डू नॉट हैव मैजिकल पावर, वी डू नॉट हैव हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, मैजिकल पावर नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे पास नहीं है, कह रहा है कि बट लेकिन वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस, कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, मैजिकल पावर हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड, इसके अलावा भी हम लोग जो है ना कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कर है परहैप्स मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। आगे बता रहा है कि यू कैन लिस्ट, यहाँ बता रहा है ये कि यू कैन लिस्ट, कौन सा लिस्ट, यू कैन लिस्ट ए फ्यू थिंग्स, यू कैन चेंज अराउंड यू, कर है कि आप लिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू कैन चेंज अराउंड यू, हम लोग जो इसको जो है चेंज कर सकते हैं, विथ नो मैजिकल इन्वॉल्व्ड, कोई इसमें जादू नहीं है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं, बिना जादू के ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आगे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि मेनी चेंजेस बहुत सारे चेंजेस जो हैं आर टेकिंग प्लेस, वो हो रहा है, प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास, ऑन देयर ओन, अपने आप हो रहा है, क्या हो रहा है अपने आप, मेनी चेंजेस हो रहा है, मेनी चेंजेस कहाँ हो रहा है, आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे आसपास हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑन देयर ओन, अपने आप हो रहा है। कह रहा कि इन द फील्ड, कह रहा है कि खेत में, इन द फील्ड, द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, फील्ड में क्या हो रहा है, इन द फील्ड, खेत में क्या हो रहा है, कह रहा है कि द क्रॉप, जो फसल है क्रॉप, चेंज, उसमें चेंज होता है, कब चेंज होता है, कह रहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे चेंज होता है।
कह रहा है कि समटाइम्स कभी कभी लीफ फॉल फ्रॉम ट्रीज, लीफ जो है वो नीचे गिरता है, कहाँ से नीचे गिरता है, वो ट्री से नीचे गिरता है, लीफ ट्री से नीचे गिरता है। कह रहा है कि चेंज कलर एंड ड्राई आउट, कहता है कि इसका चेंज कलर चेंज करता है और अपने आप सूख के गिर जाता है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, कह रहा है कि फूल जो है खिलते हैं और फिर वो मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, कर है क्या आपके बॉडी में भी कुछ चेंज हो रहा है। योर नेल्स, आपके नाखून ग्रो करते हैं। योर हेयर ग्रो, आपके बाल भी ग्रो करते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप लंबाई में बढ़ते हैं। एंड योर वेट इंक्रीजेस, कर है कि आपका वेट भी बढ़ता है। As you grow, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, as you grow, जैसे आप बढ़ते हैं, weight, your weight increases, weight जो है increase करता है। करा कि did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time, करा है क्या आपने कभी realize किया है, अनुभव किया है, अर्लियर माने पहले, दैट चेंजेस, मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस टेकिंग प्लेस हो रहा है अराउंड यू, हमारे पास, हमारे आसपास, ऑल द टाइम, हर समय जो है चेंज हो रहा है। अब दूसरा पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, कह रहा है कि कैन सम ऑफ चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक साथ किया जा सकता है। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, करा कि ये जो चेंजेस हो रहा है क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग का ग्रुप कैसे, वेरियस चेंजेस, हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, उसको अलग अलग ग्रुप में हम लोग कैसे बांटेंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अलग अलग ग्रुप में कैसे बांटेंगे। करा इट माइट हेल्प इफ़ यू फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम, करा है कि कुछ सिमिलरिटीज अगर हैं बिटवीन देम तो ये जो है ये हेल्प हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं ये टॉपिक नंबर 6.1 हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक नंबर क्या देख रहे हैं, 6.1 देख रहे हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, करा है कि जो चेंजेस हैं क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, मतलब जो चेंज हो जा रहा है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं क्या, फिर दोबारा उसमें ला सकते हैं उसके ओरिजिनल रूप में। तो यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 करेंगे। क्या एक्टिविटी नंबर 1 करेंगे, हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 करेंगे, एक बैलून लेके फुलाएंगे, बैलून लेके ये फुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा है। एक्टिविटी नंबर 1 में कह रहा है एक्टिविटी नंबर 1 कि हम लोग जो हैं टेक ए बैलून, एक बैलून लेते हैं एंड ब्लो इट, उसको फुलाते हैं। टेक केयर, करा है कि केयर लेना है, ध्यान देना है। दैट इज डज नॉट ब्रस्ट, इतना ज़्यादा फुलाना नहीं है कि वो फट जाए। करा है कि द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज, जैसे फुलाएंगे हम लोग ये फिगर 6.1 देख रहे हैं, शेप एंड ये जो है शेप एंड साइज जो है बैलून का ये चेंज हो जा रहा है जैसे फुला रहे हैं, इतना नहीं फुलाना है कि ये फट जाए। तो ये जो है फिगर है 6.1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फिगर 6.1। क्या लिखा है 6.1 में, ए बैलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट, करा है कि जब बैलून में हवा देते हैं तो इसका शेप एंड साइज जो है चेंज करता है। अब देखते हैं नाउ, करा है कि अब लेट द एयर एस्केप,
हवा को हम लोग बाहर निकलने दे द बैलून लेट द एयर एस्केप द बैलून कह रहा है कि हम लोग हवा जो है अब निकलने दें इसका। एक्टिविटी टू कह रहा है कि क्या करना है हम लोग को, एक्टिविटी टू ये देख रहे हैं, एक्टिविटी टू में क्या करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि टेक ए पीस ऑफ पेपर, हम लोग को पीस ऑफ पेपर लेना है, पेपर लेने के बाद उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करना है। इट एज शोन इन फिगर 6.2 फिगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ये हम लोग फिगर हम लोग देखते हैं 6.2 ये फिगर है। 6.2 में क्या कर रहा है फिगर में, ए टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर, हम लोग एक जहाज बनाते हैं, टॉय एरोप्लेन बनाते हैं, ये कागज लिए हम लोग और इस कागज से इस तरह का जहाज बनाने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में ये बता रहा है एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू में क्या कर रहा है कि टेक ए पेपर हम लोग को लेना है, क्या लेना है, एक पेपर लेना है और इसको फोल्ड करना है। इट एज शोन इन फिगर 6.2 कह रहा है कि यू हैव चेंज द सीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन, आपने क्या किया, सीट ऑफ पेपर जो ये लिया इसको आपने क्या बना दिया, इसको टॉय एरोप्लेन आपने बना दिया। इसके बाद बता रहा है कि यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, कह रहा है कि आप बहुत आनंद लेते होंगे इस प्लेन को उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, कह रहा है कि जब आप थक गए हैं तो पेपर को अगेन खोल दीजिए, जो आपने अनफोल्ड कर दीजिए, जो आपने इसको मोड़ा हुआ था, ये है आपने हम लोगों ने बनाया था ये। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी थ्री, देखते हैं एक्टिविटी थ्री में क्या करना है, ये एक्टिविटी थ्री है। एक्टिविटी थ्री कह रहा है कि टेक सम डॉट एंड मेक ए बॉल, हम लोग जो है आटा, जो है आटा जिसे रोटी बनता है डो लेते हैं और मेक ए बॉल, इसे एक बॉल बना देते हैं। एंड ट्राई टू रोल आउट रोटी, डो से जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्राई टू रोल आउट रोटी बनाते हैं। फिगर 6.3 ये दिया हुआ है, 6.3 हम लोग देखते हैं, ये डो लिए हैं, ये है 6.3 ये दिख रहा है, फिगर 6.3 है ये, ए बॉल ऑफ डो एंड रोल्ड आउट रोटी, ये डो है, आटा साना हुआ है, डो इसको बोलते हैं, और ये रोटी बनाया हुआ है, रोटी ये दिख रहा है हम लोग को। कह रहा है कि टेक सम डो एंड मेक ए बॉल, बॉल बनाना है, ट्राई टू रोल आउट रोटी बनाना है, 6.3 में दिया हुआ है। कह रहा है कि मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट सेप, सेप से आप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू बॉल ऑफ डो अगेन, आप जो है ये आपको पसंद नहीं आया सेप, तो इसको फिर आप इसमें मिला दीजिएगा, डो में आप मिला दीजिएगा, ये आप कर सकते हैं। कह रहा है नाउ अब थिंक अबाउट, सोचना है, थ्री चेंजेस यू अब्सॉर्ब इन एक्टिविटी 1, 2 और 3, ये तीन चेंजेस हैं, एक चेंजेस ये हैं, इसके अलावा है एक चेंजेस ये है, हम लोगों ने प्लेन बनाया था, और जो है एक चेंजेस ये है, बैलून हमने बनाया था, ये पहला चेंज है 6.1, और उसके बाद जो है ये 6.2 जो है ये हमारा दूसरा चेंज है, और ये तीसरा चेंज है, हम लोगों ने रोटी को फिर डो में मिला दिया था, ये तीन चेंज है, तीनों चेंज के बारे में हम लोग को सोचना है। कह रहा है कि व्हाट डू यू हैव इन कॉमन, ये तीनों चीज़ों में समानता क्या है, कह रहा है वॉज इट पॉसिबल, कह रहा है कि वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या बैलून जो है फिर ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। फिर कह रहा है
was the size of paper same as before and after making the aeroplane? ये paper जो है क्या फिर same हो जाएगा unfold कर दे रहे हैं तो? Was it possible to get back ball of dough again? क्या रोटी को मोड़ देंगे तो फिर dough आ जाएगा? करें कि what do you conclude? आपने क्या इसमें कंक्लूड किया है, आपका निष्कर्ष क्या आ रहा है? What do you conclude? कह रहा है कि in each of the three activities, कह रहा है कि तीनों एक्टिविटीज़ में, is it possible to get back to the material with which we started our activity? कह रहा है कि तीनों एक्टिविटी में क्या हमारा जो मटेरियल है, मटेरियल जो हम लोग लिए थे वो फिर हमें मिल रहा है? कह रहा है कि इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर आपका आंसर येस है, इट मीन्स इसका मतलब है दैट द चेंजेस ऑकरिंग इन दिस एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड, इसका मतलब है कि जो चेंजेस हुआ था उसको हम लोग रिवर्स्ड कर सकते हैं. Now let up repeat the same activity with a difference. कह रहा है कि सेम एक्टिविटी करते हैं लेकिन थोड़ा सा वो जो है डिफरेंस है. क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है. ये क्या डिफरेंस है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. ये अब बता रहा है कि एक्टिविटी हम लोग फोर करते हैं. ये एक्टिविटी फोर ये आ गया. कह रहा है कि टेक द सेम बैलून, सेम बैलून लिखते हैं विच यू यूज इन एक्टिविटी वन, एक्टिविटी वन में जो हम लोग लिए थे वो. कह रहा है ब्लो इट इट्स फुल साइज, हम लोग इसको ब्लो करते हैं फुल साइज बड़ा करते हैं. एंड टाई इट्स माउथ, इसके माउथ को हम लोग बांध देते हैं विथ स्ट्रिंग टाइटली काफ़ी उसको बांध देते हैं पूरे जोर से. कह रहा है कि प्रिक इट विथ ए पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, फिर पेंसिल से इसको फोड़ देते हैं. उफ इट ब्रस्ट, कह रहा है कि वो फट जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बैलून फट जाएगा. अब चौथा एक्टिविटी हम लोग करते हैं कि ये पेपर जो हम लोग लिए थे एक्टिविटी फाइव करते हैं. टेक द सेम पेपर, हम लोग सेम पेपर लेंगे विथ योर एक्टिविटी टू में जो यूज़ किए थे. करें कि ड्रॉ एरोप्लेन, हम लोग इस पर इस कागज़ पे ऐसे बनाते हैं. एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, और ये आउटलाइन को काट के इस तरह से हम लोग ये बना दिए फिगर 6.4, ये दिख रहा है 6.4. ये हम लोग हवाई जहाज जो ड्रॉ किए थे उसके किनारे किनारे काट के हम लोग ये इस तरह से निकाल दिए हम लोग. कह रहा है कि एक्टिविटी सिक्स जो है यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिविटी सिक्स, हम लोग कह रहे हैं कि रोल आउट रोटी फ्रॉम बॉल ऑफ डो अगेन बैक इट ऑन द तवा. ये कह रहा है कि जो रोटी है उसको तवा पे हम लोग बना लेते हैं, रोटी बना लिए हैं, ये फूल गया. कह रहा है अब कि सपोज यू आर आस्क्ड द सेम थ्री क्वेश्चन, कह रहा है कि तीनों क्वेश्चन आपसे किया गया, थ्री क्वेश्चन किया गया which you answered after activity 3. एक्टिविटी तीन करने के बाद आपसे क्वेश्चन किया गया था कि क्या ये रिवर्स हो सकते हैं. What would your answer be now? अब कह रहा है कि अब जब पूछा जाएगा उसी तरह क्वेश्चन कि ये रिवर्स किए जा सकते हैं. What would your answer be now? अब आपका आंसर क्या होगा? ये रोटी अब डो में बदल जाएगा, पेपर जो हम लोग काटे थे, पेपर जो ये काट दिए हैं ये फिर पेपर पूरे पेपर में बदल जाएगा. और जो ये बता रहा है नेक्स्ट, ये एक्टिविटी बैलून को जो हम लोग फोड़ दिए थे, बैलून को फोड़ दिए थे, तो क्या बैलून ओरिजिनल रूप में आ जाएगा? व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, कह रहा है कि अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी नाउ, कह रहा है कि वी सी दैट the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. बैलून जो है फिर से वो बैलून नहीं बन पाया जाएगा, आटा जो है वो रोटी फिर आटे में नहीं बदल जाएगा. कह रहा है कि
यू यूज़ ए पेंसिल एंड ए इरेजर विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज कराएगी। जो हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, इरेजर यूज़ करते हैं, शेप उसका जो है और साइज है वो बराबर क्या होता है, चेंज हो सकता है। कह रहा है कि कैन वी रिजर्व दिस चेंज, जो पेंसिल में और इरेजर में साइज छोटा हो गया, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि आगे बता रहा है कि यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, हम लोगों ने देखा है पोटर जो है व्हील पे अपना काम करता रहता है। पोटर कहाँ काम करता है, व्हील पे काम करता है पोटर। कह रहा है कि ही शेप ए लंप ऑफ ए क्ले इनटू ए पोट, कह रहा है कि वो पोट बनाता है, मिट्टी, मिट्टी से क्या करता है, क्ले, क्ले से पोट बनाता है। आगे कह रहा है कि कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, ये चेंज जो है रिवर्स हो सकता है। ही देन बेक्स द पोट इन ए ओवन, वो जो पोट को है ओवन में वो पका रहा है। कह रहा है कि नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, अगर वो पका दिया, अगर ओवन में पका दिया तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, अगर पका दिया तो वो रिवर्स हो सकता है क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से। कह रहा है, आगे कह रहा है कि सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, टेबल 6.1 देखेंगे हम लोग। विच ऑफ दिस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड, ये जो टेबल दिया है इसमें, टेबल में हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिवर्स्ड कर पाएंगे हम लोग। कह रहे वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप, हम लोग ग्रुप करेंगे, चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड, कौन कौन सा रिवर्स्ड हम लोग कर पाएंगे। ये है टेबल 6.1, ये टेबल 6.1 ये आ गया, टेबल है 6.1, इसे कॉपी में उतारेंगे। कह रहा है कि ये चेंजेस हैं और ये चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, ये जो है चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, हम लोग यस या नो में आंसर देंगे। रॉ एग टू बॉयल्ड एग, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं तो नो कर सकते हैं। ये बेटर टू इडली, इडली जो बना सकते हैं इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग कहते हैं कि नो। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, ड्राई से जो है फिर हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, पानी में भिंगा देंगे तो फिर ये वेट हो जाएगा, ये यस हम लोग इसको कर सकते हैं। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, ये हम लोग नीटेड कर सकते हैं तो इसको रिवर्स हम लोग कर सकते हैं, ये यस कर सकते हैं। ग्रेन टू फ्लावर, फ्लावर को हम लोग फिर ग्रेन में नहीं कर सकते हैं तो इसको नो करेंगे। मिल्क टू हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ये फिर ठंडा हो सकता है, रिवर्स्ड हो सकता है, ये यस। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कॉइल्ड स्ट्रिंग, ये इसको भी हम लोग स्ट्रेट कर सकते हैं, यस। बर्ड टू फ्लावर, इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, नो। मिल्क टू पनीर, ये इसको भी रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, नो। काउ डंग टू बायोगैस, इसको भी रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, नो। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, स्ट्रेच, ये जो अगर पूरा रबर जो है अगर खींचा चला जाएगा उसकी इलास्टिक लिमिट के बाहर, तो इसको जो है अगर थोड़ा सा खींचेंगे तो इसको यस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कर देंगे तो ये नो हो जाएगा। आइसक्रीम टू मोल्टेड आइसक्रीम, इसको फिर जमा देंगे तो हम लोग फिर ये हो जाएगा, यस इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। अब कर रहे हैं आगे हम लोग देख रहे हैं, क्या आगे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कुड दिस बी अदर वे टू ब्रिंग ए चेंज, कुड देयर बी अदर वे, कह रहे हैं कि क्या, कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग ए चेंज, और क्या क्या रास्ता हैं, अदर वेज क्या हैं, कैसे हम लोग चेंज
करेंगे। करें कि वी ऑल हैव सीन, हम लोग सब लोगों ने देखा है। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर, करें कि द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉयल, जो सॉयल को कोड़ने में काम आता है। ये 6.6 ये फिगर है, 6.6 में ये फिगर ये है, ये जो है टूल्स है। ये क्या क्या टूल्स हैं? कह रहा है कि टूल्स आर ऑफन ना हीटेड बिफोर फिक्सिंग अ वुडन हैंडल्स, ये जितने हैं इसको इसमें लगाने के लिए, हैंडल में लगाने के लिए इसको हीट किया जाता है। इसको हीट करके फिर हम लोग वुडन में ऐसे लगाते हैं, ऐसे ये लग जाता है। ये इसको लगाने के लिए हीट करते हैं हम लोग, इसको हीट करेंगे तब इस लकड़ी में लग के ये इस तरह का होगा। इसको हीट करेंगे ऐसे करके तब जाके ये लगेगा। हम लोग यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि हैव यू एवर सीन हाउ, करें कि हाउ आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स्ड द वुडन हैंडल्स, जो लकड़ी का हैंडल्स है, जो भी लकड़ी का हैंडल्स है उसको कैसे ये लोहे में लगा जाता है, क्या क्या टूल्स हैं। कह रहा है कि आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैव ए रिंग इन विच वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, कह रहा है कि आयरन जो ब्लेड है उसको फिक्स किया जाता है, कहाँ वुडन हैंडल में फिक्स किया जाता है। कह रहा है कि नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, वुडन हैंडल से थोड़ा छोटा होता है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, एक्सपैंड कर जाता है, हीट करते हैं हम लोग तो। नाउ द हैंडल इजली फिट इन टू द रिंग, उसके बाद जो है हैंडल इजली फिट हो जाता है। कह रहा है कि वेन द रिंग कूल डाउन इट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन द हैंडल, जब ये ठंडा होता है तो टाइटली जो है ठंडा होने के बाद ये हैंडल में चिपक जाता है। तो ये हम लोग ये फिगर नंबर देखें। कह रहा है कि सच चेंज इज ऑल्सो यूजफुल फॉर फिक्सिंग मेटल रिंग ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट एज शोन इन 6.7 ये फिगर देखते हैं हम लोग। 6.7 हम लोग फिगर देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं, ये कार्ट है, 6.7 है ये फिगर, 6.7 फिगर है। कह रहा है कि कार्ट व्हील है, ये कार्ट व्हील है विथ मेटल रिम फिक्स्ड इन इट, ये मेटल रिंग जो है ये लकड़ी वाले में लगाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि अगेन, दोबारा, अगेन यहाँ बता रहा है, मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर, मेटल रिंग जो है स्लाइटली स्मॉलर बनाया जाता है। लाइट ऑफ यहाँ पे मेटल रिंग जो है, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, वुडन व्हील से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। करे कि ऑन हीटिंग करने पे द रिम एक्सपैंड करता है एंड फिट इनटू व्हील में फिट हो जाता है। करे कि कोल्ड वाटर इज देन पॉर्ड ओवर द रिम के ऊपर कोल्ड वाटर डाला जाता है विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट स्लाइटली इनटू व्हील, इसके चलते जो है व्हील में वो चला जाता है। ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, इसको गर्म करने के बाद इसको लगा देते हैं और फिर पानी डाल देते हैं। करा कि व्हेन वी हीट वाटर इन ए पैन, करा कि हम लोग जब पैन एक लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं। इट बिगिन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, थोड़े देर में हम लोग देखते हैं कि बॉयल करने लगता है। इफ़ यू कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर इसको हीट फिट और भी करते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द गैस बिगिन टू डिक्रीज,
पानी की जो मात्रा होती है वो डिक्रीज करने लगता है। कह रहा है कि वाटर चेंज इनटू वेपर, इट्स वेपर, वाटर जो है चेंज करता है। कहाँ चेंज करता है? वाटर चेंज करता है, चेंज करता है किसमें? वेपर में करता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 में हमने देखा था, यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्ड, ये फिर पानी में बदल जाता है जब इसको ठंडा किया जाता है। कह रहे कि वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने मेल्टिंग ऑफ आइस को देखा है, आइस मेल्ट करता है व्हेन इट इज हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है। कह रहे कि व्हाट डज इट चेंज इनटू, कह रहे कि ये किस में चेंज करता है? इज इट पॉसिबल टू चेंज द वाटर इनटू बैक आइस, हम लोग वाटर को फिर क्या दोबारा आइस में बदल सकते हैं? कह रहा है कि लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये हीटिंग यहाँ पे वैक्स को हम लोग हीट कर रहे हैं, ये बर्निंग ऑफ कैंडल है यहाँ पे, ये दिख रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल दिख रहा है ये। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस ये होते हैं। और दो तीन लाइन ये बची हुई है, हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिविटी 7 कर रहा है, कर रहा है कि टेक सम कैंडल, कैंडल हम लोग को यहाँ पे लेना है एंड मेजर इट्स लेंथ देखना है विथ ए स्केल से। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड ना लाइट इट, हमको जलाना है, लेट इट बर्न, इसको जलते रहने देना है फॉर सम टाइम के लिए इसको जलते रहना है। नाउ ब्लो आउट कैंडल एंड मेजर द लेंथ अगेन, करेगी जब थोड़ा देर जल जाएगा तो कैंडल का हम लोग को लेंथ लेना है, ये जो कैंडल है इसको जला लेंगे और थोड़ा देर जब जल जाएगा तो फिर इसको नापना है कितना बड़ा ये है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है। और चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या चेंजेस हैं। और इसमें इसके समरी पॉइंट्स क्या है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, ये बता रहा है कि सम चेंजेस जो है इसको रिवर्स किया जा सकता है एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कुछ को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ए चेंज में ऑकर बाय हीटिंग, हीटिंग से हम लोग चेंज कर सकते हैं। और सब्सटेंस और मिक्सिंग विद द सम अदर चीज़ से हम लोग इसको, मिक्सिंग विद सम अदर दूसरा पॉइंट है, ए चेंज में ऑकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और मिक्सिंग इट विद सम अदर, कुछ चीज़ मिला के भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और चेंज जो है रिवर्स्ड हो सकते हैं और चेंज जो है कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दो तरह की ये चेंजेस होते हैं। की वर्ड्स हम लोग देखते हैं, ये चेंजेस हैं कॉन्ट्रैक्शन है, इवेपोरेशन है, एक्सपेंशन है और मेल्टिंग है। ये डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं ये क्वेश्चन आंसर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन जो हैं 1, 2, 3 और ये तीसरे क्वेश्चन है, इसको करने की हम लोग कोशिश करेंगे, एक दो अच्छे अच्छे डायग्राम बनाएंगे।